और अमित शाह यूपी में 2014 का इतिहास दोहराने के लिए लगातार कोशिशों में लगे हैं। और इसी कोशिश को पूरा करने के लिए अमित शाह कल लखनऊ पहुंचे और लंबी चुनावी बैठकें की। अमित शाह मिशन यूपी पर हैं। पहले चरण के वोटिंग से दो दिन पहले यानी सोमवार को अमित शाह लखनऊ पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाह का स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां करीब रात 3 बजे तक चुनाव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहे। मौजूद सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने चुनावी मंथन के दौरान कई मुद्दों पर खास चर्चा की। इस दौरान पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई। अवध क्षेत्र की 16 लोकसभा सीटों को लेकर नेताओं से फीडबैक लिया गया। यूपी के बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। साथ ही शुरुआती 3 चरणों के 26 सीटों पर विशेष चर्चा की गई। ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट और निषाद पार्टी को भी 1 सीट दिए जाने पर चर्चा की गई। गुरुवार को पहले चरण में यूपी के 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। वहीं दूसरे चरण में 18 अप्रैल को भी 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। ऐसे में अमित शाह का लखनऊ दौरा काफी मायने